हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर्स क्यूरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर और अभी मैं आया हूँ उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल। चलो आज आपको उसका हॉस्टल का टूर करवाते हैं, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हैं। और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से मेन बिल्डिंग बिल्कुल पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और चलिए चलते हैं हॉस्टल टूर करवाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, अगर आपके पास हॉस्टल कार्ड है तो ही आप एंटर कर सकते हैं, अगर आपके पास हॉस्टल कार्ड नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते। बाकी चलते हैं अभी रूम में और दिखाते हैं आपको रूम्स और बच्चों के यहाँ पे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए, सो जो बच्चे हैं वो यहाँ पे 8th फ्लोर पे रहते हैं। एक जो ब्लॉक है ये वाला है और उधर भी ब्लॉक है, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कैसा यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री है, इधर ये रूम्स हैं। अगर बहुत खराब है कोई नहीं। कितने रूम्स हैं इस ब्लॉक में? चार रूम है, इसमें दो बेड और इसमें तीन। ओके, टू शेयरिंग, ये थ्री शेयरिंग, थ्री शेयरिंग है, ये टू शेयरिंग है। ठीक है, ये यहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग रूम है। रूम में जो यहाँ पे सर्विसेज हैं अलमीरा वगैरह यहाँ पे प्रोवाइडेड है हॉस्टल की तरफ से, टेबल प्रोवाइडेड है, ये आप बेड देख सकते हैं। एक ये डबल शेयरिंग रूम है, यहाँ पे दो बेड लगे हुए हैं, ये टेबल है, स्टडी टेबल, आप पढ़ सकते हैं बैठ के, दोनों के लिए सेपरेट है, दो बच्चों के लिए। और ये अलमीरा है यहाँ पे, ये शेल्फ वगैरह है, यहाँ पे आप बुक्स वगैरह रख सकते हैं। टोटल यहाँ पे भाई हॉस्टल में आपका कैसा है ओपिनियन हॉस्टल के बारे में? हॉस्टल भाई बहुत हॉस्टल बहुत बढ़िया, कंफर्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी दिक्कत सब बस हर चीज बढ़िया। अच्छा अच्छा, और जैसे रूम, हाँ, बेड, हर चीज फैसिलिटी है। ठीक, कितने इस ब्लॉक में कितने रूम है टोटल? चार रूम, चार रूम है, एक कॉरिडोर में चार, एक कॉरिडोर में चार रूम, दो थ्री शेयरिंग है, दो दो टू शेयरिंग। ठीक है, दस बच्चे रह सके एक कॉरिडोर। ओके, तो गाइस जैसा कि भाई ने बताया यहाँ पे एक जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा, इस ब्लॉक में यहाँ पे चार रूम है, ट्रिपल शेयरिंग और डबल शेयरिंग दोनों तरीके के रूम्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि डबल शेयरिंग वहाँ पे रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यस यहाँ पे आपको डबल शेयरिंग रूम मिलेगा। और जैसे मैं दिखाऊँ इस ब्लॉक में टोटल एक रूम ये है, एक इधर है, ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह है और सामने दो रूम वहाँ पे हैं। टोटल यानी कि यहाँ पे 10-12 बच्चे टोटल इस ब्लॉक में हैं और इस ब्लॉक 10-12 बच्चों पे ये सेपरेट वॉशरूम है। यहाँ पे आप जैसे अगर ब्रश, कोलगेट ब्रश वगैरह करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रूम्स ठीक हैं, जो बड़े रूम हैं वो यहाँ पे 4-seat और 3-seat रूम हैं और जो छोटे रूम हैं वो डबल शेयरिंग रूम है। बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं अभी, हमने बच्चों से जाना भी है, काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल की तरफ से सारी प्रोवाइडेड है जो भी फैसिलिटी होती हैं, लाइक आपको कुछ भी चाहिए, टेबल वगैरह, स्टडी टेबल वगैरह रूम में अवेलेबल है। इसके अलावा जो अलमीरा है वो यहाँ पे मिलती है, और एक स्पेशल यहाँ पे लॉन्ड्री रूम भी है, एक रूम ये देख सकते हैं, ये सेपरेट रूम है, ये भी डबल शेयरिंग रूम है। लॉन्ड्री वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसका टाइम टेबल भी यहाँ पे बोर्ड पे लगा होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और जो किचन है यहाँ पे वो किचन दिखाता हूँ, मेस अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि वहाँ पे मेस अवेलेबल है कि नहीं है, यस इंडियन मेस यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे रखी हुई है और साथ में यहाँ पे धो के आप कपड़े सुखा भी सकते हैं। और ये टाइम टेबल है कि मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे किस टाइम आप यहाँ पे कपड़े वॉश कर सकते हो। अभी я просто перевожу.
ये किचन है, इंडियन कुक यहाँ पे अवेलेबल है, खाना वाना सब यहाँ पे बनता है बच्चों के लिए। और अभी दिखाते हैं कैसे यहाँ पे लगता है खाना। सो गाइस, ये हमारे साथ कुछ बच्चे हैं उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, अभी फर्स्ट ईयर इनका कंप्लीट होने वाला है। जानते हैं इनके बारे, इनका रिव्यू कैसा है यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में। तो गाइस, भाई सबसे पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करो, कहाँ से हो। तो भाई मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, अभी आपको लगभग 7-8 महीने हो गए हैं यहाँ पे उराल में, सबसे पहला तो सिटी कैसी लगी आपको? सिटी बहुत अच्छी है, घूमे हो? रात बहुत अच्छी है। फिलहाल अभी जैसे स्प्रिंग्स आ रहे हैं तब तो सिटी इतनी ब्यूटीफुल हो गई है। और अगर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिटी यूनिवर्सिटी कैसी है, टीचर्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग फैकल्टी आपको मिल रही है, और कहीं पे आपको ऐसी लैकनेस फील हुई है कि यार आप पहली बार, मतलब आपका फर्स्ट सेकंड बैच यहाँ पे है, तो कुछ कमी लगी आपको यहाँ पे? नहीं, अभी एज ऑफ नाउ तो कोई कमी। बुक्स की थी, वो बुक्स अरेंज करवा दी है, अरेंज करवा दी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। टीचर्स में भी अगर कोई दिक्कत हो या कंप्लेंट कर दो या फिर बता दो तो ठीक हो जाती है। कोऑपरेटिव है यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। हॉस्टल कैसे हैं? हॉस्टल तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो सोचा भी नहीं था, पहली बार हम हॉस्टल में रह रहे हैं, मैं इशू आई हमें कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा मिल जाएगा हॉस्टल। सोच ये बंद रहते हैं ना, हॉस्टल गंदे रहते हैं ना, मैस अच्छा होता है, ये वो सही कुछ। तो जब आए तो सब इंडियन मैस है, वेज बिल्कुल। खाना अच्छा है? खाना तो बहुत अच्छा है, वेज के लिए है यार। अगर बाय चांस हो गया कि अगर कोई नॉन वेज आ रहा है तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर करा रहे हैं नॉन वेज भी। बाकी अगर मैं पूछूं कुछ डिसएडवांटेज क्या लगा आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, कि कोई जो लगी है कि भाई हाँ ये कमी हमें फील हो रही है यहाँ पे कुछ ऐसा? वही लैंग्वेज बैरियर, अगर तुम बस जिनको इंग्लिश नहीं आती ज्यादातर रशियन की है, वो तो रशियन की आपकी क्लासेस लगी हो सीख जाओगे। कोई सीनियर बैच नहीं, हम लोग को खुद को अपने आप को खुद संभालना पड़ा। पहला महीना बहुत तो कुछ नहीं पता था। मतलब बस ये दिक्कत आई होगी जब आप यहाँ पे आए होगे फर्स्ट ईयर में, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है उस चीज में। शुरू में थोड़ी सी वो दो डिपार्टमेंट दूर थे थोड़े, तो पता नहीं था कैसे जाना है कैसे। वही बस वैसे जो भी है रूट नहीं पता, रूट नहीं पता। कोई नहीं, अभी जो बच्चे आएंगे फर्स्ट ईयर के उनके लिए उनको सब सिखा दोगे ना, ए टू जेड। चलो, तो क्या रिकमेंडेशन क्या आपकी कि बच्चों को यहाँ पे भेजना चाहिए, बुलाएं? भेजो संभाल लोगे अच्छे से, संभाल लेंगे हम, है भाई कब ले जा रहे, कब ले जा रहे, कोऑपरेटिव। हाँ, हर यार अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, डॉक्टर बन के जाओ अच्छे से। बाकी उसके एफएमजी की क्लासेस के लिए भी यहाँ पे फैकल्टी आ रही है नेक्स्ट मंथ में, उससे पहले सारा बेस वगैरह है वो अपना क्लियर कर लो अच्छे से, तो काफी हेल्प होगी। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर रिव्यूज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जैसे ये हॉल देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्टडी रूम बना रहे हैं, यहाँ पे टेबल्स वगैरह लगेंगे अभी और चेयर्स वगैरह लगेंगे, ताकि बच्चे अभी जो है रूम में पढ़ रहे हैं, बट अगर पहले भी टेबल थी बट बच्चे उनको उठा के अपने रूम में ले गए हैं, और अभी दोबारा बात की है यूनिवर्सिटी से, रिक्वेस्ट की है वो टेबल्स यहाँ पर लगवा देंगे, ताकि अगर किसी बच्चे को रूम में डिस्टर्बेंस होती है तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं स्टडी हॉल में। यहाँ पर टेबल और चेयर लग जाएंगी, बुक्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करवा ही दी है, लाइब्रेरी से आप बुक इशू करवा सकते हो, बाकी खुद के नोट्स बना सकते हो। लेक्चर्स आपके पास होंगे, जो फैकल्टी हैं वो लेक्चर्स आपको दे देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, या फिर आप उनकी पीडीएफ जो पीपीटी वगैरह है वो आप ले सकते हैं। ये गर्ल्स रूम है, ये 3-सीटर है, और ये आप सेकंड सीटर 2-सीटर रूम यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। ये पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो लड़कियों के लिए है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो गाइज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल सेम है बट फ्लोर्स डिफरेंट है। जैसे बॉयज़ हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, गर्ल्स हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, बाकी मेस है वो कॉमन है, वहाँ पे बच्चे जाके खाना खा सकते हैं या फिर अपने रूम में लेके आके भी खा सकते हैं, स्टडी रूम है वो भी कॉमन है, लेकिन फ्लोर लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग। गाइज ये कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है यहाँ पे। गाइज कहाँ से आप लोग? गुजरात से।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कैसी यूनिवर्सिटी है अभी तक आपको? 7-8 महीने यहाँ पे हो गए हैं, कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी? कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, हॉस्टल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हॉस्टल बिल्कुल नया है, बिल्कुल अच्छा है। अभी जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट होता है कि वहाँ पे गर्ल सेफ्टी से रिलेटेड क्या है, कोई इशू है कि नहीं है, सेफ लग रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और बॉयज और गर्ल्स का फ्लोर यहाँ पे सेपरेट है, ठीक है। बाकी अगर आप, मैं आपसे पूछता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में, कि यूनिवर्सिटी के बारे में जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, वो इंग्लिश स्पीकिंग आपको मिल रही है? कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रीज। गाइस, यहाँ पे ये मेस है, मतलब किचन मैंने आपको अभी दिखाया था, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, खाना यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टेबल चेयर वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। बाकी मुझे तो यहाँ पे हॉस्टल में जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी लगी हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट गया था, वो भी काफ़ी अच्छा मेरे को लगा है, हॉस्टल है, हॉस्टल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा अभी तक तो सारी चीज़ें हैं। हाँ, अभी एक फ्लोर पे यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं, आने वाले टाइम पे इसको और ज़्यादा जो नीचे फ्लोर्स हैं उनको भी ले लेंगे, और जहाँ पे अगर रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करवाएंगे। तो बच्चों का रिव्यू भी आपने इस वीडियो में जाना, हॉस्टल आपने देखा। गाइस, अगर आपका इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।